हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं बनारस का सबसे प्रसिद्ध टमाटर चाट, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनता है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान इसमें रखना है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ना ही इसमें हमें इमली का इस्तेमाल करना है, ना ही नींबू का, क्योंकि टमाटर से ही इसका जो खट्टापन है वो आ जाता है। तो इस तरह से मैंने 7 से 8 टमाटर लिए, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, और इस तरह से हम रफली चॉप कर लेंगे, इसे कट कर लेंगे यहाँ पे। अब गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दिया है, इसे हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब बटर। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बटर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनता है। इसमें हम डाल देंगे सभी टमाटर को जो हमने कट किया था। आप चाहे टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच नमक यहाँ पे ऐड किया है। उतना ही हम चीनी इसमें ऐड करेंगे ताकि जो टमाटर का खट्टापन होता है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। आप चाहे तो चीनी को थोड़ा सा ज़्यादा भी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे, और बारी बारी से हमें चेक करना होगा कि टमाटर कितना गला है ताकि वो कढ़ाई में चिपके ना। तो इस तरह से थोड़ा सा स्पैचुला से इस तरह से मैश कर सकते हैं। मैं जो टमाटर चाट बता रही हूँ यहाँ पे, ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है, क्योंकि बहुत जगह आपने देखा होगा कि बनारस में इस तरह से टमाटर चाट बनाते हैं। तो टमाटर यहाँ पे गल चुका है, तो थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और फिर से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे। और बारी अब मसालों की, तो मसाले में इसमें ज़्यादा कुछ हमें ऐड नहीं करना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हल्दी का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें कलर आ जाएगा। और यहाँ पे जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। कलर आपको अगर और भी अच्छा चाहिए तो आप उसमें कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाले ऐड किए हैं, और लास्ट में हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इससे जो टमाटर चाट का जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो पहले तो हम मसालों के साथ इसे अच्छे से पका लेते हैं, उसके बाद हम कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे। तो मसाले पकने में ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट में जो मसाला है वो पक जाएगा। तो यहाँ पर बारी अब कश्मीरी लाल मिर्च की, तो यहाँ पर 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। गैस को मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे कर दिया, और इस तरह से हम लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि जो टमाटर और मसाले वो कढ़ाई में चिपके ना। और अगर चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से आपको लगातार इस स्पैचुला से मैश करना होगा टमाटर को, ताकि अच्छे से घुल जाए इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से घुल चुका, और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। तो यहाँ पर अब बारी है इसमें मटर और आलू डालने की। तो मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिया है, आप चाहे तो मटर नहीं भी ऐड कर सकते, लेकिन मटर थोड़ा ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने मटर डाल दिया, और उबले हुए आलू को मैंने मैश कर लिया था। आलू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है टमाटर के साथ, ताकि जो टमाटर चाट बनती है उसको आलू बैलेंस करता है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 आलू लिए थे, और 6 से 7 मैंने टमाटर लिए थे। तो इस सब को थोड़ा सा पानी डालने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे, और नमक कम हो तो फिर से आप इसमें ऐड कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे थोड़ा एक उबाल आने देते हैं, और इसे अच्छे से पकने देते हैं। तो मिला लेंगे इन सभी को, और यहाँ पे हम इसे कवर कर देते हैं ताकि जो टमाटर चाट है 1 से 2 इसमें हल्का सा उबाल आ जाए, तो हमारा जो टमाटर चाट है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो टमाटर चाट है इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है पहले के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे टमाटर चाट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कितना सुंदर कलर आया, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसे हम अब प्लेट में निकालते हैं। इसके लिए मैंने प्याज, नमकीन, थोड़े से आलू भुजिया लिया है ताकि इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर सकें। तो इसमें हम डाल देते हैं टमाटर चाट को। क्या कलर आया है इसका, खुशबू बहुत ही अच्छी आई। तो इस तरह से आप टमाटर चाट घर पे बना सकते हैं। बनने में ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आलू उबाल कर रखना और टमाटर को अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आलू भुजिया हम ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और साथ ही साथ हम इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज डालने के बाद थोड़े से हम इस पे नमकीन डाल देंगे, और हमारा जो टमाटर चाट है वो बन के रेडी हो चुका है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।